अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तो ये आंकड़ा अब जो टैली पर है वो आपको 48, 35 और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 5 पर अन्य आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा आप देखते रहिए, इस पर नजर रखिए, क्योंकि ये बार बार बदल भी रहा है, जैसा कि हमारे जो तमाम पैनलिस्ट भी हैं वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, आदमपुर से अपडेट आई है, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस के उम्मीदवार 861 वोटों से लीड ले चुके हैं। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई पिछड़ गए। तो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन था वो तो भव्य बिश्नोई ने जीता था, लेकिन इस बार अब चूंकि कैंडिडेट के तौर पर थे भव्य बिश्नोई ही, और अभी 861 वोटों से वो पिछड़ गए हैं जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बनाई है, तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, देखिए अभी का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, 46 चाहिए मेजोरिटी के लिए, 48 सीट यानी कि क्लियर कट मेजोरिटी के साथ। 35 पर अभी कांग्रेस पार्टी है, काफी पीछे है बहुमत के आंकड़े से। हालांकि एक समय कांग्रेस बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। जननायक जनता पार्टी आप देखेंगे तो आज खाता अभी तक बढ़त में भी नहीं खोल सकी है, तो शून्य अभी उनका आंकड़ा दिख रहा है। अब आइए इंडियन नेशनल लोकदल पर, 2 सीटों पर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल बढ़त को बरकरार रखे हुए है, और ये बढ़त अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल की जारी है। और इसी तरह से अन्य अगर आप देखेंगे, यानी कि ये निर्दलीय हैं जो कि 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में आज का ये जो आंकड़ा है, अभी तक की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अभी 48, 35, जननायक जनता पार्टी 0, इंडियन नेशनल लोकदल 2 और अन्य यानी कि अदर्स जो निर्दलीय हैं वो 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए हैं। और अब 10:45 हो चुके हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 घंटे से जो ज्यादा का वक्त है, 3 घंटे आप कह सकते हैं कि काउंटिंग को होने को अब आ रहे हैं। और ये जो टैली है, ये जो आंकड़े हैं वो आप देखिए कुछ इस तरह से विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है उसको दिखा रहे हैं। 48 भारतीय जनता पार्टी, अदर्स के पास अभी 5 सीटें हैं यानी कि निर्दलीय, इंटरनेशनल लोकदल 2 सीटों पर, कांग्रेस के पास है 35 सीटें। तो विधानसभा चुनाव का ये अभी तक का जो सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। 48, 5, 2 और 35 टोटल 90 सीटों के जो रुझान है वो समय अब सामने आ चुके हैं। सभी 90 के 90 सीटों पर कुछ इस समय जो परिस्थितियां हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने 48 सीटों पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुआ है। अभी तकरीबन आप ये कहिए कि 11:30 बजे तक का इंतजार और, या 12 बजे तक का इंतजार आप कर लीजिए, उसके बाद एक तरीके से ये जो टैली है वो आपको फिक्स होती हुई नजर आ जाएगी, और उसके बाद फिर स्पष्ट तौर पर आप कुछ कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जो तस्वीर है वो कैसी होने वाली है। और ये बार बार इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पहले जो बढ़त थी वो कांग्रेस पार्टी के पास जिस तरह की थी, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त के साथ अब एक मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है, लेकिन अचानक से जिस तरह से ये तस्वीर बदली है, इस वजह से अभी कह पाना फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था वो अब बीजेपी के पक्ष में दिखने लगा है। तो इसलिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा, और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप 300, 400, 500 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं तो वो आगे के राउंड में वो कवर अप हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो है परिवर्तन हो सकता है, इसकी उम्मीद काफ़ी रहती हैं। और इसलिए अभी जब तक ये राउंड 10 राउंड के आसपास या 8 राउंड के आसपास नहीं पहुँचेंगे, तब तक थोड़ा सा कुछ भी दावे के साथ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और जब तक ये नतीजों में कन्वर्ट ना हो तब तक तो ऑथेंटिक तौर पर वैसे भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है एक डिसाइसिव बढ़त जब बन जाती है सीटों पर, जब आप कह सकते हैं कि जो बढ़त का आंकड़ा है वो हज़ारों में जब पहुँच जाए, जिसको आप ये समझ लें कि आगे के राउंड्स में भी कवर अप करना लगभग पॉसिबल ना हो, तो फिर वो स्थिति ये मान के चली जाती है कि ये जीत की ओर बढ़ गए हैं, या ये सीट जिस भी पार्टी की बढ़त है उसके पक्ष में जाती हुई दिखती है। तो अभी ये फिलहाल 48, 35 ये 2 बड़ी पार्टियां, चूँकि बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ पे बीजेपी के पास 48 और कांग्रेस के पास 35 दिख रही हैं, और उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए, और अदर्स के खाते में 5 सीटें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां,
गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। ता चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया। नहीं, वजह तो देखिए आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता चल गया इस समय कि इस समय जो प्रसाद बजरंगबली हनुमान जी का बट रहा है किस खुशी में बट रहा है। अनिल विज जी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट उनको आज मिल गया है। पूरे हरियाणा ने उनको मुबारकबाद दी है कि इस चीज़ के लिए इतनी बड़ी जीत के साथ ये आगे आ रहे हैं। अम्बाला कैंट से, अम्बाला कैंट की जनता ने भरपूर इनको इनाम दिया है उनके काम करने का, और आगे ये पूरे 5 साल तक पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इसी तरह अंबाला की जनता का भरोसा। तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 1 घंटे से बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटा हो चुका है, क्योंकि जो टैली हमने आपको बताई उस पर अगर आपने लगातार नजर रखी होगी तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आया है और बीजेपी लगातार बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है। यानी कि 46 चाहिए हैं आपको 90 के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 47 सीटें एवरेज अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए है। ये आंकड़ा 49 तक भी पहुंचा है बीच में, और अभी ये 47 अभी आपको दिख रहा है, और 36 सीटों पर कांग्रेस आप देख रहे हैं कि नज़र आ रही है। ये 37 भी होती हैं, 35 भी होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ राउंड्स और देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो पिछले 1 घंटे से लगातार उसी तरह से बनी हुई नज़र आ रही है। तो रुझानों में 47 सीट पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, और ये बहुमत के आंकड़े से 1 सीट ज़्यादा है। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक एक अपडेट लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इसी तरह से आपको बताता रहेगा। एक एक जानकारी आपको सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर मिलेगी, एक एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी सीट पर अब जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने मतों से आगे पीछे चल रहे हैं, ये भी डाटा हम आपको साथ में बताते चलेंगे। और फिर जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील होता जाएगा वो नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, कहां से कौन जीता है, कहां से कौन हारा है, ये भी हम आपको धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे ही काउंटिंग एक तरीके से आप कहेंगे कि कंप्लीट होती हुई और रिजल्ट्स की जब घोषणा होगी तो ये तस्वीर और स्पष्ट और साफ होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो आप देखिए, 47-36 का जो आंकड़ा है वो आपको अभी दिख रहा है, और ये लगातार पिछले 1 घंटे से आप देख रहे हैं कि बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 घंटे से जो बढ़त बनाई है उस पर वो लगातार बनी हुई है। तो अब क्योंकि जैसे जैसे समय आप कहते हैं कि आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा, मैं आपको सुबह से, चूंकि मैं आपके साथ सुबह 7 बजे से हूँ, और इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि नतीजे सेटल डाउन होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो सेटल डाउन आपको 11, 11:30 या 12 बजे तक होते होते आप देखेंगे कि वो जो स्पष्टता है वो आनी शुरू हो जाती है। पर वो स्पष्टता के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार मुझे लगता है कि और कर लेते हैं, लेकिन अभी के जो रुझान हैं उसमें आपको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आपको यहाँ पर सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, ये रुझान में है। नतीजे क्या होंगे ये अभी मैं भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो रुझान दिख रहे हैं उसमें 47 का आंकड़ा पिछले 1 घंटे से भारतीय जनता पार्टी इस पर बरकरार है, बढ़त लगातार भारतीय जनता पार्टी की है। तो 47, 36 और 5 का ये जो डाटा है ये आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करते हैं, अभी आगे ये आंकड़ा क्या परिवर्तित होता है, क्या इसमें और जुड़ती हैं सीटें, क्या कांग्रेस की तरफ जो सीटें हैं वो उधर बढ़ती हुई आपको दिखती हैं, अदर्स के खाते में क्या ज़्यादा सीटें जाएंगी, या इंडियन नेशनल लोकदल भी क्या कुछ और बढ़त यहाँ पर हासिल करेगा, या फिर जननायक जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के भी हिस्से में कुछ आएगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं।
तो सभी सीटों के धीरे धीरे आपको मैं कह सकता हूं कि जो आंकड़े हैं बढ़त के वो अब लगातार आ रहे हैं, और इसी के आधार पर ये जो टैली है वो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, आंकड़े मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जो बढ़त के भी आंकड़े आ जाते हैं वो भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं। और इसके अलावा साथ में आप जो आप देख रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं, सियासी दिग्गज हैं हरियाणा की राजनीति के, उनके भी स्टेटमेंट और उनके भी बयान मैं आपको बीच बीच में सुनवा रहा हूं, ताकि आप ये देखें कि जो राजनीतिक माहौल है वो प्रदेश में समय किस तरीके का है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हलचल काफी तेज है, ये जरूर है कि दिलचस्प बहुत है, यह जरूर है कि इस बार के हरियाणा के विधानसभा चुनाव की ये काउंटिंग, आप जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक आप टीवी स्क्रीन पर रहेंगे और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ रहेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतना दिलचस्प होता हुआ चुनाव जो दिख रहा है वो वाकई में आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा कि आखिर यह जो परिवर्तन है वो एकदम से ऐसे कैसे, अभी आगे क्या होगा, ये सबके जहन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसलिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार आप बने रहिए, इंडिया न्यूज़ एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, सबसे सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, कोई आपाधापी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ ये है कि जो जानकारी हम आपको देंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक देंगे, वो बिल्कुल सटीक होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ आप लगातार बने रहिए और आप देखिए सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट जो जानकारी है वो हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। एक एक सीट का हाल क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये टैली आप जो देख रहे हैं ना, बस इस पर आप केवल जो नजर है वो बनाए रखिए। एक बड़ी और जानकारी का रुख कर लेते हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब देखिए, हांसी से अपडेट आ गई, बीजेपी के विनोद भ्याना यहां से आगे चल रहे हैं। अब ये बढ़त है, देखिए 6,899 लगभग 6,600 वोट अगर आप ये मानकर चलेंगे तो ये बढ़त विनोद भ्याना ने बनाई है। इस तरह की जो बढ़त होती है वो आप ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा चेस करने में अब आगे के जो राउंड्स होंगे उसमें थोड़ी सी समस्या कैंडिडेट्स के लिए होती है, और इसलिए विनोद भ्याना ने यहाँ से एक ठीक ठाक बढ़त जो है वो आप कह सकते हैं कि बना ली है। ये 6,899 वोटों की जो बढ़त है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिख रही है, ये बड़ी अपडेट है। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैंडिडेट के बारे में हम आपको बताएंगे, कहाँ पर कौन से कैंडिडेट ने कितने वोटों से बढ़त बना रखी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ सीटों पर आपने देखा कि 200, 300, 400, 500, 800 की जो बढ़त हैं उस पर थोड़ी सी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से बढ़त वाली हैं वहाँ पर परिवर्तन होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और वो चुनावों में, क्योंकि इसी के लिए सब लोग आपको बार बार कहते हैं कि चुनावों के जो नतीजे हैं उसका इंतज़ार करिए, जब तक सीटें परिणामों में तब्दील ना हो जाएँ तब तक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए वो जो कम मार्जिन वाले बढ़त वाली सीटें उस पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। लेकिन विनोद भ्याना ये जो बढ़त है इसको अभी आप अगर आप देखेंगे तो इसको ठीक ठाक बढ़त आप कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है कि आगे के राउंड में इस बढ़त पर भी आगे जो दूसरे कैंडिडेट